हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा क्लास विद आर एन मंडल स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर लेसन नंबर एटीन एडवर्ब्स फ्रॉम योर बुक कॉलिंग इन ग्रामर एंड कंपोजिशंस ओके एंड दिस इज क्लास सिक्स चैप्टर एडवर्ब्स ऑफ टू चैप्टर नंबर सेवेंटीन आई ऑलरेडी अपलोडेड यू कैन चेक इट फ्रॉम योर क्ला प्ले ऑफ युर क्लास और लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन ओके सो लेट्स बिगन द चैप्टर विदाउट वाचिंग द टाइम बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन वन दोजू आर वॉचिंग द माय वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल uh, करे जरूर करें साथ ही साथ लाइक और शेयर वीडियोज़ को बिल्कुल करें और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कौन सी स्कूल से चैनल को देख रहे हो आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल है प्लीज़ मैंसन जरूर करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती है खुशी मिलती है और न्यू वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ बनाता हूँ अगर आप इस तरह के कमेंट्स आ, मुझे आती है so, सो शुरू करते हैं एडवर्ब एडव क्या है एडव इज़ द वर्ड हुच इज वर्ड वी कैन से हुच इज़ डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट द वर्व जो भर्व के बारे में कुछ ज़्यादा बताती है उसको बोलते हैं एड ठीक है सो एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द दर्व दैट इज नॉन एज एड सो लेट्स गेट स्टार्टेड बुक से करते हैं हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड में क्या है रीड सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द वर्ब्स और द एडजेक्टिव्स जो डिस्क्राइब करती है वर्ब्स को या फिर एडजेक्टिव को एट ही रोट वेरी क्विकली डरिंग द एग्ज़ाम वेरी क्विकली आपका क्या है एडवे ठीक uh, really really, है एंड दिस इज द रियली ब्यूटिफुल गार्डन रियली आपका है द बीज आर बजिंग जेंटली अराउंड द फ्लावर जेंटली आपका क्या है एडवे द टाइगरिस ब्रेवली डिफेंड हर कब्स अगेंस्ट द बीयर सो इसमें क्या है ब्रेवली ओके नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में हम लोग कर रहे हैं एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करिए भव को डिस्क्राइब करिए दार लाउडली एज इट हिट द ड्राइवर लाउडली आपका आएगा फायर बर्न फायरसफुल थ्रू द ड्राई जंगल सो फर्सफुली आपका क्या है एडव सॉरी uh, आपका एडजेक्टिव है लुक एट द पेंटिंग केयरफुली टू द फाइंड आउट व्हाट इज़ अबाउट किसके बारे में है पेंटिंग ठीक है सो so, आपको कैसे देखना है केयरफुली देखनी है जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा सो so, ये आपका हो गया एडवर्ब। यहाँ तक कंप्लीट है एडवर्ब की जो डेफिनेशन है एडवर्ब इज़ द वर्ड दैट एड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो एडव के बारे में कुछ ना कुछ मीनिंग बताती है इट टेल एस समथिंग अबाउट द एक्सन इज सेंटेज बाई मॉडिफाइंग प्रेपोजिशन और ए फ्रेसिस सी स्पीक स्पॉक वेल वो बहुत ही अच्छा बात करती है राइट right? वव so, के बारे में बता रहा है वव क्या है इस्पॉक यावेल कैसे बोलती है अच्छी बोलती है सी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड सी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड मॉडिफाइंग एडजेक्टिव टायर्ड को uh, क्या करिए मॉडिफाइंग uh, कर रही है टाइर्ड आपका वह है और एक्सट्रीमली क्या है कितना बहुत ज़्यादा ही विल फिनिश फिनिश वेरी सोन मोडिफाइंग दैड सोन सोन को व्या uh, मॉडिफाई कर रहा है वेरी को वर्ड्स फ्लू डायरेक्टली एवव आवर हैड मॉडिफाइंग द प्रपोजिशंस एवव एवव क्या है प्रजिशंस को मॉडिफाइंग कर रही है ठीक है so सो यहाँ पर आप देख सकते हैं काइंड ऑफ एड ऑफ मैनर में सिंपली आपको शॉर्ट uh, में बता देता हूँ एडभव ऑफ मैनर क्या होता है ऑफ मैनर विच इज़ टेलिंग अस दैट हाउ द एक्शन इज़ परफॉर्म एक्शन कैसे हो रहा है स्लोली हो रहा है फास्ट हो रहा है क्या हो रहा है इसके बारे में बताया एडब प्लेस वेयर द एक्शन हैज़ टू प्लेस कहाँ हुआ है आउटसाइड इनसाइड एवरीवेयर एवरी ऑफ़ टाइम सेम है कब हुआ इस टे टू मोरो नाव इस तरह से एडभ फ्रिक्वेंसी मतलब बताती है कब किस कितना ऑफन कैसे कि, किस टाइम में हो रही थी लाइक ऑफन मोर रेयरली कभी कभी एडभ डिग्री राइट कितना ज़्यादा वेरी एक्सट्रीमली क्वाइट राइट ही इज़ और द मिल्क इज़ वेरी हॉट सो वेरी आपका जो है इस तरह के वर्ड्स क्या है एडप डिग्री में आती है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो हमें जो वर्ड्स हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्पफुल होती है क्वेश्चन बनाने में हाओ वैन वेयर ये सब क्या है एक्सट्रीम सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है ठीक है आगे देखते हैं चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कम्प्लीट सेंटेंस इसमें आपके दो वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन उसमें से आपको एक को चूज़ करना है ठीक है विश्वनाथ ऑफ एन रिचर्स लेटली और लेट लेट आएगा ठीक है सिद्धार्थ वर्क वेरी हार्डली और हार्ड सिद्धार्थ वर्क वेरी हार्ड हार्डली नहीं आएगा इसमें ये आपकी मॉडिफाई uh, हो जा रही ज़्यादा मींस uh, आपका uh, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको सेंटेंस uh, uh, ठीक से बन पा नहीं बन पा रही द फाइनल एग्जाम इज़ ड्रॉइंग नियरली और नियर नियर रामू स्विम्स वेरी क्विकली और फास्ट फास्ट द ट्रेन इज गोइंग स्लोली और स्लो स्लोली जा रही है कैसे जा रही है स्लो जा रही है नहीं स्लो हम लोग नहीं बोल सकते स्लोली जा रही है क्योंकि ये जा रही है इट इज रेनिंग हैवीली और हैवी इट इज रेनिंग हैवीली महर इज रियली चार्म रियली चार्जिंग सच में और चार्मिंग है द काइड इज फ्लाइंग वेरी हाईली दाइड इज फ्लाइंग वेरी हाई ठीक है द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली ठीक है वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइज करेक्टली करेक्टली यहाँ पर होता है आगे देखते हैं पोजिशन ऑफ एडभ पोजिशन ऑफ एड की पोजिशन कब होती है कब एडव को प्लेस किया जाता है सेंडेज में कब रखा जाता है एडभव ऑफ फ्रिक्वेंसी कम बिफोर द भव जो भव से पहले आता है अगर फ्रिक्वेंसी एडभव ऑफ टाइम कब आता है बिफोर और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ देर इजन लाइक दे अराइव अर्ली ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है एडव ऑफ प्लेस कम अब भव के बाद आता है या ऑब्जेक्ट के बाद आता है वाटर एवरीवर वाटर के बाद आ रही है पुट द बॉक्स हेयर राइट लास्ट में आ रही है देख सकते हो आप इवन द सेंटेंस बोथ द मेन भव एंड द हेल्पिंग भव एडवर्ब इज़ प्लेस बिटवीन द टू आई हैव जस्ट फिनिश कुकिंग जस्ट फिनिश राइट मैन भव और हेल्पिंग भव के बीच में आती है एंड नेक्स्ट इन ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ड इज मॉडिफाइड लाइक अंडरस्टूड वेल इन एन आई मीन इन ही वॉज क्लियर इन क्लियर इनफ टू रन सेफ्टली सो यह सब क्या है एडव ऑफ प्लेस कब वहाँ पर यूज़ हो रही है लाइक नेक्स्ट पुड द एडव इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट पोजिशन आई नो हर आई नो हर वेल सो so, uh, इसको प्लेस करना आपको सही जगह में लिखना आई नो हर क्वाइट वेल क्यू यू आई टी कहाँ पर आएगा हर के बाद आएगा ठीक है क्योंकि एडवर्ब ऑफ मेनर है और मेनर uh, आपको एडजेक्टिव uh, के पहले आता है ही वॉज ट्रेवल बाई ट्रेन ही वॉज नेवर ट्रेवल बाई ट्रेन हैज़ हैज़ के बाद आएगा यहाँ पर नेवर ठीक है डज़ ही मेक्स मिस्टेक डज़ uh, क्या हुआ हम मिस्टेक करता है डर्ज ही यूजली मे एक मिस्टेक यूजली ही के बाद आ रही है ही डिसीव आवर सेल्फ सो ही समटाइम डिसीव्स ही समटाइम्स ही वी समटाइम्स डिसीव आवर सेल्फ वी के बाद आ रही है ठीक है नंबर फाइव आई वॉज एबल टू हेयर वट दे सेट आई आई वॉज एबल टू हेयर हार्डली आपका जो लिखना है आई वॉज हार्डली हार्डली यहाँ पर आएगा आई वॉज के बाद ही वॉज़ टॉल टू रीच द सेल्फ़ सो ही वॉज़ टॉल इनफ टॉल इनफ आएगा इसमें ठीक है टॉल इन्फ टू रीच द सेल्फ आई एम लेट टू माई डांसिंग क्लासेस सो जो है यहाँ पर आई वॉज टॉल इनफ टू रीच सेल्फ हो गया आई एम ऑफ एंड लेट आई एम ऑफ एंड लेट कभी कभी मैं लेट होता हूँ ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं जो है आपका नंबर एट हिज फादर हैड टू वर्क हार्ड फॉर हिज लिविंग वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हिज फ़ादर नेवर नेड टू वर्क हार्ड फॉर लिविंग हैज़ हर ब्रदर बीन द प्रिसिपल है जो हैज़ हर ब्रदर ऑलवेज ब्रदर के बाद आएगा ऑलवेज द स्टूडेंट्स हैव कम्प्लीटेड देयर होम वर्क क्लास वर्क सो द स्टूडेंट हैव ऑलमोस्ट कम्पलीटेड देयर वर्क स्टूडेंट्स हैव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम्पलीटेट के पहले आएगा क्यों क्योंकि ये आपका क्या है ऑलमोस्ट कब कितना एडवापऑफ फ्रिक्वेंसी आ रही है ठीक है सो ऑलमोस्ट कितना काम बहुत ज़्यादा काम सो कब आती है ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के बाद ही इसका यूज़ होता है इसीलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाई एडवाप मैनर कैसे बनाते हैं लाइक क्विक क्विकली ब्रेब ब्रेबली इस तरह से हमबल हम्बली एबल एबली इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं कंपरीजन ऑफ एडजेक्टिव अगर हम लोग कम कंपेयर करें जो रन फास्ट जो रन फास्टर देन एंड कपिल रन फास्टेस्ट देन देम ऑल अगर दो एक किसी में कंपेयर नहीं करते तो सिंपल उसी वर्ड को यूज़ करेंगे अगर दो में कंपेयर करें दो लोगों में तो ई आर और अगर उससे ज़्यादा तो ई एस टी ठीक है फॉर्मेशन फॉर मे सम्पेटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कंपेरेटिव और, और सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से बनती है कभी कभी मोर और मोस्ट भी यूज होते हैं और कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे लिटिल है लेस है लिस्ट है सब जो वर्ड हैं क्या हैं बहुत ही कम यूज़ मतलब आपको याद रखना होता है इसमें इसका कोई रूल्स नहीं है अब याद रखना नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे सी पार्ट से गोविंद डजेंट वर्क हार्ड आई वर्क हार्डर एच ए आर डी ई आर द ऑरेंजेज डजेंट टेस्ट वेल द अदर वंस टेस्टेड बैटर ठीक है माई हाउस इज़ फार फ्राम माई स्कूल रामया हाउस इज इवन डैस सो इसका जो है रामया हाउस इज इवेन फार फारद एफ ए आर टी एच ई आर इस फार का जो हम लोग कंपरेटिव डिग्री कर रहे हैं फिर इसको सुपलेटिव कर, भी करेंगे कविता लिवज डैस फ्राम द हाउ कविता उससे भी ज़्यादा दूर रहती है सो फारथेस्ट एफ ए आर टी एच ई एस टी एफ ए आर टी एच ई एस टी किरण स्पीक सॉफ्टली हर सिस्टर स्पीक डेस देन हर उसकी सिस्टर जो है उससे ज़्यादा बात ही करते किरण स्पीक सॉफ्टली हर सिस्टर स्पीक्स मोर सॉफ्टली एम ओ आर ई मोर एस ओ एफ टी एल सॉफ्टली देन हर देर मदर स्पीक्स डेस ऑफ देम ऑल देयर मदर स्पीक्स मोस्ट सॉफ्टली मोस्ट सॉफ्टली एम ओ एस टी मोस्ट एस ओ एफ टी एल सॉफ्टली ठीक है नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं देखते हैं नंबर फाइव में क्या है द माइना सिंग्स स्वीटली माइनाज नेम ऑफ वन बर्ड एक बर्ड का नाम है द कुकु सिंग्स कोयल जो है उससे ज़्यादा अच्छी बात मतलब उसके बहुत स्वीट है सो मोर स्वीटली इसमें आएगा ठीक है एम ओ आर ई मोर स्वीटली एस डब्ल्यू डबल ई टी एल ओ स्वीटली एंड द नाइटिंगल नाइटिंगल जो है उससे भी ज़्यादा अच्छी बात करती है सो ए मोस्ट आएगा इसमें मोस्ट स्वीटली एस डब्ल्यू डबल ई टी एल ओ स्वीटली है या सॉफ्टली स्वीटली है ठीक है नेक्स्ट नंबर सिक्स में देख माई फ्रेंड हेल्प मी मच माय रिलेटिव्स हेल्प मी इवन जो आपके उनके रिलेटिव उनके फ्रेंड ने तो हेल्प किया ही लेकिन उनके फ्रेंड ने सॉरी उनके रिलेटिव ने ज़्यादा हेल्प किया इवन मोर बट उसकी फैमिली ने उससे भी ज़्यादा हेल्प किया सो so इसमें क्या आ जाएगा मोस्ट आ जाएगा राइट मोस्ट एंड मोर एन मोस्ट वी वॉन द गेम कम्फर्टेबली हम लोगों ने मैच आराम से जीत लिया आवर टीम डिफेंड द अपोनेंट्स मोर कम्फर्टेबली मोर उनकी जो टीम है ज़्यादा कम्फर्टेबली जीत लिया सी ओ एम एफ ओ आर टी ए बी एल वाई कम्फर्टेबली द टीम इन द टूर्नामेंट सो लेटेस्ट राइट में देखते हैं क्या है लेटेस्ट राइट right में कभी कभी आपकी कमेंट्स आती है प्लीज़ सोल्व द लेटेस्ट राइट ऑल्सो सो इसी के लिए मैं देख रहा हूँ लेटेस्ट राइट में क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको देर वॉज अ फ्लोड इन द नियर बाई एरिया राइट रिपोर्ट ऑन द फ्लोड एंड हाउ यू हेल्प द अफेक्टेड पीपल राइट वेयर वेर द फ्लोड हैपन वट हैपन एंड हाउ द पीपल वर अफेक्टेड हाउ द गवर्नमेंट सेंट हेल्प एंड हाउ यू हेल्प दम रिमेंबर टू यूज़ सुटेबल एडबम इन रिपोर्ट्स कुछ एडबम्स भी आपको यूज़ करना में कुछ लाइन्स आपको बता देता हूँ कुछ आइडियाज़ आपको दे देता हूँ जिससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा लाइक द रेंज स्टार्टेड फ्रॉम थर्टी फर्स्ट अगस्त 2021 एंड कंटीन्यूड हैवीली फॉर थ्री डेज एंड थ्री नाइट्स तीन दिन और तीन रात तक बारिश होती रही मेनी पार्ट्स ऑफ मुंबई हैड बिकम टोटली फ्लोटेड मुंबई में लगभग चारों ओर पानी पानी हो गया अवर स्कूल वाज वन ऑफ द सल्ट चूजन बाय द गवर्नमेंट टू बीइंग सेंटली लोकेटेड जो हमारी स्कूल है उसकी अच्छी थी अच्छी थी मतलब जो इस फ्लोर से दूर थी ऊँची जगह में रखा हुआ था इसीलिए इसको लोकेशन इसको चूज़ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोगों को यहाँ पर एक सेल्टर या एक सेफ प्लेस मिल सके द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो हेल्प द कीप द फ्लो वाटर्स द बी द पीपल ऑफ़ द लोकेलिटी एलोंग विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल स्टार्टेड रिलीफ ऑपरेशन इमीडिएटली उन्होंने भी रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया था ठीक है फ्लोड इन द लार्ज क्वान्टिटीज हैड टैक एंड सेल्टर इन आवर प्राइमिस ऑल लेड बाय आवर टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लोड ऑल द पीपल हुर कम्प्लीटली स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ द फ्लोड वाटर्स फ्लोड वाटर्स की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे द गवर्नमेंट सेंड प्राइमली फोर्स टू स्पीड ऑफ द रेस्क्यू वर्क द कम विद द हेलीकॉप्टर एंड बोट्स एंड एवरी वन इज रेस्क्यूड प्रॉपरली एंड दिस इज द रिपोर्ट अबाउट द फ्लोड इस तरह से आप रिपोर्ट लिख सकते हो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो डोंट वरी अबाउट दिस सो यहाँ की कंप्लीट होती है लेसन नंबर एटीन हाउ यू लाइक द वीडियो प्लीज मैंसर इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरवर्ड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड एज वेल एज लाइक द वीडियो सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास टिल दैन बी हैप्पी थैंक यू